हाय, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आज संडे है, थोड़ा मैंने सोचा मॉर्निंग वॉक कर लूँ। सुबह सुबह मौसम भी अच्छा, क्योंकि आज बारिश नहीं हो रही है। एक्चुअली पिछले 2-3 दिनों से लगातार बारिश हो रही थी, कल भी बहुत तेज़ बारिश हुई सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग, और उसके बाद फिर कल पूरे दिन बारिश नहीं हुई। कल थोड़ा ह्यूमिड था यहाँ का मौसम, थोड़ा गर्म था, बल्कि आज भी मौसम बिल्कुल नॉर्मल है। मतलब अब गर्मी नहीं है, क्योंकि कल बारिश हुई थी और एकदम से धूप आ गई थी, जिसके वजह से पूरा इवेपोरेशन हुआ और थोड़ी गर्मी सी बढ़ गई थी। एनीवेज, आइए आपको मैं आज का नज़ारा दिखाता हूँ। यहाँ का चारों तरफ हरियाली है, ग्रीनरी है। बरसात के मौसम में यहाँ का माहौल ऐसे ही हो जाता है, बिल्कुल ग्रीन। मतलब एक्चुअल में मुझे ये मौसम सबसे पसंद है यहाँ का, बरसात और ठंड का मौसम। और यहाँ पे इस टाइम पे क्या होता है कि आम, लीची, जामुन और कटहल, ऐसे कई सारे मतलब फ्रूट्स हैं जो तैयार होते हैं बेसिकली इस टाइम पे। और अभी मोस्टली आम तो टूट गए हैं, बट अभी बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं, आम के ऐसे पेड़ हैं, जहाँ पे अभी भी आपको आम लगा हुआ मिल जाएगा और पका हुआ आम बिल्कुल पेड़ से गिरा हुआ ले सकते हो। ये आम, फ्रेश आम पेड़ से टूट के गिरा है अभी अभी, ये देखिए ये भी है, इस तरफ भी है। ऐसा आम आपको शायद बाजार में नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि ये बिल्कुल फ्रेश है, पेड़ का पका हुआ है, पेस्टिसाइड नहीं है इसमें। तो अब फाइनली आम का सीज़न ख़त्म होने वाला है, बरसात आ गई है, तो आखिरी का जो मैंगो का, ये देखिए इसमें जामुन फला हुआ काफ़ी सारा ऊपर, ये पूरा जामुन है, ये पूरा बगीचा है। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट पे एक्चुअली लोग सारा ये पेड़ ले लेते हैं और कॉन्ट्रैक्ट पे ही इनका, जब तक ये पूरा फसल तैयार नहीं होता आम का या जो भी है, इन्हीं के हाथ में रहता है। और तैयार होने के बाद देखिए कैसे आम पक कर गिरा अपने आप फिर से। तो ये नेचर है, देखिए मेरे हाथ में ये आम है, बिल्कुल फ्रेश आम। तो ये अपने आप पक के गिरता है पेड़ से। और ये देखिए अभी इस सामने वाले पेड़ में बहुत सारा आम लगा हुआ है, अभी इसका मतलब पकने का टाइम आ गया है ऑलमोस्ट। ये तो रही नेचर की बात, ये देखिए सामने कितना खूबसूरत नज़ारा है। और थोड़ी सी डेवलपमेंट और दिखाता हूँ आपको। आजकल देखिए थोड़ा अंदर अंदर दूर दूर में कॉटेजेस वगैरह भी बन रहे हैं यहाँ पे। और अगर हम वैसे इस जगह की बात करें, धौलास की बात करें, तो धौलास का ये जो एरिया है, इसको हम बोलते हैं हरियावाला कला, ये वाला एरिया प्रॉपर। अभी तक आपको किसी ने बताया नहीं होगा, बट मैं बताता हूँ। धौलास एक छोटा सा पार्ट है बेसिकली। जब आप, जैसे आप लोग धौलास आए होंगे पहले कई बार, तो धौलास जैसे ही आप इंटर करते हैं, एक छोटा सा बैंक आता है, पंजाब एंड सिंध बैंक, वहाँ से शुरू होता है, बल्कि नीचे से शुरू होता है घाटी से। और घाटी से शुरू होके उस बैंक से लगभग आप मान के चलो 600-700 मीटर तक धौलास है। उसके बाद फिर धौलास ख़त्म हो जाता है, फिर धौलास के बाद दूसरा गाँव लगता है, उसको हरियावाला कलां बोलते हैं। तो अभी हम हरियावाला कलां में हैं, आपको हरियावाला दिखाता हूँ मैं। हरियावाला कलां, बेसिकली मैं भी हरियावाला कलां में ही रहता हूँ, और हरियावाला कलां यहाँ का सबसे पॉश एरिया है। जैसे हर इलाके का एक पॉश एरिया होता है ना, हर इलाके का, जैसे पुरकुल में भी कोई ना कोई पॉश एरिया होगा, जैसे अंतारा के आसपास, उस तरह से राजपुर रोड में भी कुछ पॉश एरिया इलाके होंगे। तो उसी प्रकार से धौलास में ये पॉश एरिया माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि सबसे मेन बात, इसके सामने कोई किसी प्रकार का कोई ऑब्स्टेकल नहीं है, मतलब यहाँ पे कभी कोई घर नहीं बन सकता, ये पूरा जंगल का इलाका है। इट्स ए रिजर्व फॉरेस्ट, ये देखिए नीचे, इट्स ए प्योर रिजर्व फॉरेस्ट, और इसमें आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं कुछ भी। जिसने छेड़छाड़ करने की कोशिश की, उसका प्रोजेक्ट स्टे में चला गया, बंद हो गया, राइट? तो इसलिए यहाँ ऐसे मतलब चीज़ों को आप बिल्कुल छेड़ नहीं सकते, सरकारी चीज़ है।
रिज़र्व फॉरेस्ट की चीज़ है, इसमें लीगल इश्यूज हो जाते हैं। तो इसलिए इस इलाके में जो सबसे प्राइम लोकेशन के प्लॉट्स होते हैं वो ये रोड वाले प्लॉट्स हैं, ये जहाँ हम खड़े हैं ना, मेन रोड का प्लॉट। अब ये मेन रोड के प्लॉट्स हैं, इसमें झाड़ी खड़ी है, तो ये किसी न किसी का प्लॉट है। अब मेन रोड के प्लॉट्स को कोई बेचना नहीं चाहता है, पहली बात एकदम से। जब कोई ज़रूरत होती है, कोई मजबूरी होती है, या कहीं और इन्वेस्टमेंट करना होता है, तभी वो बेचता है। अब यहाँ मेन रोड में क्या अपॉर्चुनिटी है? मेन रोड में अपॉर्चुनिटी ये है कि आप यहाँ पे किसी भी प्रकार का बिज़नेस शुरू कर सकते हैं, क्योंकि लोकेशन का ही पैसा है। कहीं पे भी आप अगर दिल्ली NCR में गोल्फ फेसिंग या पार्क फेसिंग या डबल साइड इस तरह का कुछ भी लेते हैं, तो उसका आपको एक्स्ट्रा PLC पे करना पड़ता है। तो उसी प्रकार से यहाँ पे भी देखिए, लोगों ने अपना अपना प्रॉपर्टी लेके उसको लाइक बाउंड्री वगैरह कराया हुआ है, और यहाँ पे ऑलरेडी कुछ कैफेज़ वगैरह भी शुरू हुआ अभी रिसेंटली। व्यू बहुत अच्छा है, एक बहुत अच्छी बात है, व्यू बहुत अच्छा है यहाँ का। पूरा मसूरी का व्यू यहाँ से बहुत ही ट्रांसपेरेंटली क्लियरली नज़र आता है। दूसरी बात, यहाँ पे मेन रोड पे ज़मीन उपलब्ध नहीं है, मतलब रेयर का मतलब है रेयर, लेकिन वो रेयर भी मुश्किल है, यहाँ पे मिलता ही नहीं है, मतलब कोई बेचता नहीं, क्योंकि बहुत छोटा सा पैच है यहाँ पे मेन रोड का। ये इस तरह से यहाँ पे लोगों ने अभी शुरू किया है और अच्छा चल रहा है, तो अच्छी बात है, यहाँ पे बढ़िया है, थोड़ा कमर्शलाइज हो रहा है एरिया, तो इससे प्राइस भी बढ़ रहा है एरिया का। ये सारा इलाका बिल्कुल शानदार ये पूरा इलाका है, और ये धौलास का समझ लीजिए कि जेम है, क्रीम है, बेस्ट एरिया है। तो इस तरह से लोगों ने यहाँ पे लैंड्स वगैरह लेके अपना अपना जो भी जिसको जैसा समझ में आया, किसी ने दुकान बना दिया, किसी ने अलग अलग तरीके से लोगों ने यहाँ पे डेवलप किया हुआ है। अब ये हमारा ऑफिस है यहाँ पे रियल्टी मैग्नेट का, अगर आप धौलास आए होंगे तो आपने देखा होगा यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है रियल्टी मैग्नेट का। इसके सामने भी सेम वैसे ही जंगल है, यहाँ पे भी कोई ऑब्स्टिकल नहीं है, कभी जीवन में किसी प्रकार का कोई यहाँ पे बिल्डिंग या कुछ खड़ा नहीं कर सकता, या कोई भी डेवलपमेंट यहाँ पे नहीं हो सकती है। और ये साथ में जब जिसने भी ये प्लॉटिंग की होगी तो ये 20 फीट की सड़क डाली थी अंदर, बिल्कुल ही नॉर्मल तरीके से हमने, ये छोटा सा लैंड है हमारा, इसको हमने डेवलप किया है 500 स्क्वायर यार्ड का। तो आप भी इस तरह का परचेज़ करके, अपना लैंड परचेज़ करके 500, 600, 700 एरिया लेके आप इसको डेवलप कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे कुछ हमने वेजिटेबल्स के ये प्लांट्स लगाए हुए हैं, यहाँ पे बैंगन है, टमाटर है, ये मिर्च है, शिमला मिर्च है, भिंडी है, इस तरह का ये सब लगा हुआ। आम का पेड़ है यहाँ पे, आम का है, लीची का है, अमरूद का है, अभी ये तैयार हो रहा है, अभी फ़िलहाल इसको ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है। ये देखिए नींबू लग गया इसमें ऑलमोस्ट, ये सारे फ्लावर्स के छोटे छोटे प्लांट्स हैं। ये देखिए इस तरह का सामने नज़ारा है। कल को अगर कुछ इसमें बिज़नेस करना हो, कुछ प्लान हो, तो फिर आगे हम इसको रिनोवेट कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल ये एक छोटा सा प्राइवेट फार्म हाउस है, इस तरह से क्यारी बना के ये एंट्री पॉइंट है। तो इस तरह से आप कुछ भी यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। एक छोटा सा कॉटेज है, एक तुलसी जी है यहाँ पे, ये देखिए पाम ट्री लगाया था लगभग 2.5 साल पहले, इतना बड़ा हो गया, छोटे छोटे पेड़ लगाए थे। और देखिए ये अनार काफ़ी सारा हो गया पेड़ में, देखिए अनार फला है काफ़ी सारा, ठीक है। ये आपका मोरिंगा है, मोरिंगा तो पता ही होगा आपको, ड्रमस्टिक का पेड़ है ये, काफ़ी अच्छा हो गया है। इधर पपीता है, केला है, तो ये छोटे से जगह में आप काफ़ी कुछ क्रिएट कर सकते हैं। मतलब मैंने उतने अच्छे से ऑर्गेनाइज नहीं किया, बट फिर भी कोशिश की है, मतलब नॉर्मल तरीके से, क्योंकि रेगुलर मैं यहाँ नहीं रहता हूँ, आता जाता रहता हूँ नोएडा, इसलिए पठा इस तरीके से। ये गिलोई का बेल है पूरा, ये बगल में नेबर की प्रॉपर्टी है, ये पूरा गिलोई का बेल है, आपको देख के लग रहा होगा क्या है ये, बट ये गिलोई है, फैल गया ये, देखिए कितना सॉलिड। तो क्रिएट कुछ भी कर सकते हैं आप यहाँ पे। राइट, यहाँ पे ऑर्गेनिक साग है, चुलाई,
बहुत लोगों को पसंद भी होगा, बिल्कुल फ्रेश। ये आपका जुकीनी है, ब्लैक जुकीनी, इस तरीके से जुकीनी का प्लांट होता है। आप देखिए इस तरीके का जुकीनी है, हर जगह नहीं होता है। यहाँ पे ये अंगूर है, रेड वाला अंगूर जो होता है ना, वो है ये, इसका बेल है। और ये है आपका दालचीनी का पेड़, तेज़पत्ता आपने जो यूज़ करते हैं ना गरम मसाले में, तेज़पत्ता, ये तेज़पत्ता का पेड़ है। और यहाँ पे लाल भिंडी भी है, ये हो गया शिमला मिर्च। ये देखिए आप अपने घर पे सब कुछ उगा सकते हैं, शिमला मिर्च है, ये लाल भिंडी है, देखिए लाल भिंडी, देखिए लाल भिंडी है, ये आपका लौकी तोरी, ये तो आपका कद्दू है, इसका बेल थोड़ा मैं सीधा कर देता हूँ ताकि इधर जाए। ये हो गया आपका कद्दू, ये पपीता, ये तोरी, ये मिर्च, ये देखिए मिर्च लगा हुआ है, काफ़ी मिर्च लगा हुआ है, ऐसे दिखता नहीं है। ये बैंगन है, ये देखिए बैंगन, ये टमाटर, मतलब इतने से जगह में बहुत कुछ क्रिएट कर सकते हैं आप। ये तो सर खैर क्रिसमस ट्री है ये सारा, और बैंगन के वैरायटीज़ भी हैं दो अलग अलग, ये देखिए बड़े वाले बैंगन हैं, ये मूली है, तो काफ़ी कुछ जो आपको सही लगता है वो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। लीची है, ये मेरे ख्याल से एक दो साल में बड़ा हो जाएगा। ये अमरूद है, देखिए मेरा आपसे यही कहना है कि अगर आप इस तरह का कोई ऑप्शन देख, देखिए पहाड़ों में दो तरीके की लैंड होती है, या तो आप बिल्कुल हिमालय रेंज बहुत ऊपर जाके आप ले लो, मुक्तेश्वर, अल्मोड़ा, ये सब जगह पे, वहाँ पे आपको थोड़ा डिस्टेंस वाइज थोड़ा सा दूर है वो, लगभग 10 घंटे लग जाते हैं दिल्ली NCR से, और ये आपका 4.5 घंटे में आप यहाँ पर आराम से पहुँच जाएंगे। अभी के जो कंडीशंस, अभी जो रोड है, आने वाले टाइम में जब हाईवे बन जाएगा तो आप यहाँ पे 3-3.5 घंटे में आसानी से पहुँच जाएंगे। ये 260 किलोमीटर है नोएडा से एग्जैक्टली अगर मैं बताऊँ तो, और नोएडा एक्सटेंशन से ये लगभग 230-40 किलोमीटर है। तो 230-40 किलोमीटर कुछ भी नहीं होता, आप खुद सोचो, आप इतनी अच्छी हाईवे बन गई है, आप लोग मेरठ बाईपास से सीधा सीधा यहाँ पहुँच जाते हैं। मतलब जैसे आपको अगर एक दिन में भी वापस जाना है तो आप सुबह आके शाम को यहाँ से वापस भी जा सकते हो, इतना पास है ये। और AQI लेवल यहाँ पे हमेशा 45 के आसपास होता है, AQI लेवल 45, सोचो आप, इमेजिन, कभी कभी 25 भी होता है। तो हवा पानी सही है, मतलब अगर किसी के पेरेंट्स को यहाँ अच्छी हवा चाहिए, बच्चों को अगर कोई प्रॉब्लम है हेल्थ से रिलेटेड, तो वो ऐसी जगह में आके रह सकते हैं। स्कूल्स, कॉलेज वगैरह भी आसपास में सब कुछ है, हॉस्पिटल, क्लिनिक सब कुछ है आसपास में, डेली नीड की चीज़ें मिल जाती है। और कम्युनिकेशन के लिए देखिए प्राइवेट ऐसे टैक्सी वगैरह तो आपको मिल जाता है, आसानी से बुक करोगे आप कैब, तो गांव में भी काफ़ी टैक्सी वाले हैं, तो उनको भी बोलने से वो कहीं भी आपको ड्रॉप कर सकते हैं। बट आप चाहोगे कि पब्लिक कन्वीनियंस, यहाँ पे कुछ पब्लिक कन्वीनियंस वगैरह कम ही चलता है, मतलब उसकी टाइमिंग फिक्स है, सुबह शाम दोपहर ऐसे फिक्स टाइम पे आते हैं वो लोग, छोटा वाला कुछ एक वो होता है लाइक मिनी ट्रैवलर टाइप का, वो आते हैं बेसिकली यहाँ पे, वो लोग आते हैं, तो गांव के लोग जाते हैं जनरली। इसके अलावा देखिए हवा पानी सही है, नेचर है, पहाड़ है और नदी है नीचे, ट्रैकिंग करने अगर आप एडवेंचरस हैं तो ट्रैकिंग भी कर सकते हैं यहाँ से, आप भद्राज मसूरी भी ट्रैक करके जा सकते हैं, आसपास में झरने, झील हैं बहुत शानदार। आपको घूमना पसंद है, ट्रैवलिंग पसंद है, तो आप ट्रैवलिंग कर सकते हैं, बाइक रख सकते हैं अपने पास, बढ़िया। तो बाइक से क्या है कि आप कहीं, आपको कहीं जाना है, क्योंकि एक पॉइंट है, अब देखिए होता क्या है कि आप एक पॉइंट पे अगर आप आ गए यहाँ पे शहर में, तो यहाँ से आपको सारा डिस्टेंस नज़दीक लगना शुरू हो जाता है। जैसे कि अगर आपको मसूरी जाना है तो मसूरी यहाँ से लगभग 35 किलोमीटर है, कुछ भी नहीं है, आप आराम से राइड करके, बाइक चला के, या आपको अपने कार से जाना है, जैसे भी आप मर्जी जा सकते हो। दूसरा, अगर आपको लेट सपोज अगर शहर जाना है तो यहाँ से शहर 10 किलोमीटर 8 किलोमीटर पे, प्रॉपर 6 किलोमीटर पे तो प्रॉपर दुकानें हैं, प्रॉपर मार्केट है, बट आपको प्रॉपर अगर मॉल वगैरह जाना है तो 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर पे मॉल वगैरह सब कुछ है यहाँ पे। सिटी लाइफ काफ़ी हैपनिंग है, जैसे मेट्रोपॉलिटन में होता है वैसे यहाँ पे भी है, लेकिन थोड़ा कंजेस्टेड है, छोटा शहर है ऑब्वियसली कंजेस्टेड है। तो देखिए जो बेसिक चीज़ें हैं वो मैंने आपको थोड़ा बहुत आइडिया दे दिया है, ताकि आप खुद समझदार हैं और
अच्छा लोकेशन है। मेरा ये कहना है कि धौलास एक अच्छा लोकेशन है, अगर आपको यहाँ अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो आप ज़रूर लेना। बट हाँ, कुछ लीगल चीज़ें होती है उसको ज़रूर आप क्रॉस चेक करना, क्योंकि यहाँ पे कुछ असामाजिक तत्व के लोग भी हैं जो बेसिकली रियल एस्टेट का काम करते हैं, उनसे थोड़ा बच के रहना, यही मेरा आपसे सलाह है। थैंक यू सो मच। तो अंदर कुछ दो चार ही प्लॉट्स हैं, वो भी सारे बिके हुए हैं। तो ये इलाका सबसे अच्छा मतलब माना जाता है इस पूरे एरिया में, धौलास में। साथ साथ यहाँ पे कुछ प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ हैं जो आने वाले टाइम में रिजॉर्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी तो फ़िलहाल फैमिली रहती है इस प्रॉपर्टी में, लेकिन आने वाले टाइम में रिजॉर्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। लोगों ने बाउंड्री वगैरह कराई हुई है यहाँ पे, तो इनका बेचने का कोई मूड नहीं है। मतलब ऑब्वियसली खुद ही कुछ ना कुछ यहाँ पे वो अपना कमर्शियल एक्टिविटी या घर वगैरह ही बनाएंगे। तो ये आपने आगे तो देखा ही होगा। वैसे अब ज़रा चलते हैं, एक बार अंकल से भी मुलाकात करेंगे अभी वापसी में। ये इलाका है तो बड़ा प्यारा, बड़ा खूबसूरत और बड़ा डिसेंट सा इलाका है। लोग यहाँ ऐसे इलाके में रहना चाहते हैं, फार्म हाउस बना के होम स्टे चलाने के लिए बहुत अच्छा एरिया है। आप कल को भविष्य में, आज तो उतनी आबादी नहीं है यहाँ पे या उतना लोग नहीं आते, लेकिन हाँ आप नज़ारा देख के समझ जाएंगे कि हाँ ये जगह क्यों अच्छी है। तो ये व्यू है यहाँ से, थोड़ा सा धुंध है, बादल है, लेकिन बहुत सुकून है, बहुत शांति है यहाँ पे। तो आज का ये छोटा सा वीडियो आपके लिए बनाया था, थोड़ा सा आपको ऑन रोड प्रॉपर्टी का आइडिया देने के लिए। तो आई होप आपको ये छोटा सा आज का एक वीडियो अच्छा लगा होगा। तो इसी प्रकार से मेरे चैनल को देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपको कोई भी जानकारी चाहिए देहरादून में तो प्लीज़ मुझे कांटेक्ट करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे। किसी भी जगह की प्रॉपर्टी एनालिसिस उसके लोकेशन से, उसकी वैल्यू से और उसके रिटर्न से की जाती है। तो इस लोकेशन के बारे में मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि यहाँ का लोकेशन बहुत प्यारा है, नो डाउट, कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। दूसरी बात, यहाँ का जो प्राइस है वो सर्कल रेट अभी यहाँ पे बिलो 10,000 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर है, जो सरकारी दर है, सरकारी जो रेट है यहाँ का। और इसके अलावा जो मार्केट प्राइस है वो लगभग आप ये मान के चलें कि ऑन रोड प्रॉपर्टी का 20 प्लस प्राइस है, 25 तक अब तक जाता है ये, 20 to 25,000 रुपीज़ डिपेंडिंग अपॉन दी प्रॉपर्टी कंडीशन। अगर बिल्कुल रॉ लैंड है तो 20 के रेंज में होगा, अगर डेवलप्ड है, बेटर है, तो फिर 20 प्लस ही जाता है कॉस्ट, और 25 तक मैक्सिमम प्राइस है यहाँ का मेन रोड की प्रॉपर्टी का। इसके अलावा यहाँ पे वैल्यूएशन ये है कि आपको साल का 25% मिनिमम रिटर्न मिलेगा यहाँ पे प्रॉपर्टी लेके, अगर आप छोड़ देंगे नॉर्मल लैंड परचेस करके, और अगर आप कुछ डेवलप करेंगे तो अच्छी रेंटल इनकम मिलती है यहाँ पे।